नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो सारे? बढ़िया हो तो दोस्तों, आज वो सारे एक बार आज मैं लाइव पढ़ाता हूँ आपको थोड़ा सा, और लाइव पढ़ाता हूँ मैं लाइव में। आज का मेरा टॉपिक कंसेप्ट जो है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स से संबंधित है। ज्योग्राफी क्लास 10th ज्योग्राफी और चैप्टर नंबर आपका 5 है, ठीक है? तो चैप्टर वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, चलो फिर भी डालता हूँ मैं। चैप्टर चैप्टर आपका 5 है, जिसका नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज हिंदी में बोलेंगे खनिज और ऊर्जा संसाधन। लिखते रहना भाई साथ साथ में, अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठते हो तो नॉर्मली सी बात है, सब कुछ आप फिट कर दोगे। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स तो नॉर्मली सी बात है, समझ चुके होंगे सर। आप बताओगे किसके बारे में? मिनरल्स के बारे में बताओगे। मिनरल्स क्या होते हैं? जमीन के अंदर से जो भी कच्चे पदार्थ निकलते हैं, रॉ मेटेरियल जो भी निकलेगा वो सब मिनरल है दोस्तों, ठीक है? उसी मिनरल को हम फिर प्योरिटी करते हैं, प्योर करते हैं, उससे अलग अलग उसका जो है, जब उसका क्षरण हो गया फिर उसको हम अलग अलग करेंगे, तब हम तरह तरह की धातु, तरह तरह के मेटल, तो तरह तरह के नॉन मेटल हम उनसे निकालते हैं। तो जमीन के अंदर से सारी चीजें मिनरल्स है, सारी चीजें जो भी जमीन के अंदर से निकलती है मिनरल्स है। हमारे शरीर के अंदर भी तो मिनरल्स है, ठीक है? आयरन है, मैग्नीज है, ठीक है, पोटेशियम है, ये सारी चीजें जो है ये सब मिनरल्स है। और मिनरल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। अगर मैं इसके बारे में बात बताऊं थोड़ी सी, तो दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको, ध्यान कहीं का रखोगे तो मिनरल्स का हम क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालो मिनरल्स, MINERALS, मिनरल्स। मिनरल्स होते क्या है? तो मिनरल्स जमीन के अंदर से निकले हुए सभी पदार्थ मिनरल्स होते हैं, ठीक है? सभी सब्सटेंस जो होते हैं सारे मिनरल्स होते हैं। अब मिनरल्स की बात करेंगे तो मिनरल्स आर थ्री टाइप्स दोस्तों। मिनरल्स के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है? मिनरल्स आर थ्री टाइप्स। नंबर फर्स्ट होता है आपका मेटलिक, META, मेटलिक। दूसरा होता है नॉन मेटलिक, और तीसरा होता है आपका एनर्जी मिनरल, एनर्जी मिनरल्स। कुछ बोल रहे सर इंग्लिश में बता दो। इंग्लिश में बता दे कि भाई मिनरल्स आर थ्री टाइप्स, नंबर फर्स्ट मेटलिक, नंबर सेकंड नॉन मेटलिक एंड नंबर थर्ड एनर्जी मिनरल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटलिक कौन से होते हैं। मेटलिक को हिंदी में बोलते हैं धात्विक। क्या बोलते हैं? धात्विक। नॉन मेटलिक को बोलेंगे अधात्विक, और एनर्जी को बोलेंगे हम ऊर्जा, और मिनरल को बोलेंगे खनिज, ऊर्जा खनिज, ठीक है दोस्तों, ऊर्जा खनिज। अब उसके बाद करते हैं मेटलिक कौन से हो गए। मेटलिक वो हो गए दोस्तों जिनमें मेटल की प्रॉपर्टी होगी। मेटलिक कौन से हो गए सर? जिनमें मेटल की प्रॉपर्टी होगी वो मेटलिक होगी। नॉन मेटलिक कौन से हो गए? जिनमें मेटल की प्रॉपर्टी नहीं होगी वे नॉन मेटलिक हो गए, ठीक है? इन दो की बात कर लो, उसे बाद में छेड़ेंगे। तो सबसे पहला है मेटलिक। अगर मेटलिक की बात करें सर, मेटल की प्रॉपर्टी तो विच मिनरल्स फाउंड इन मेटल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटलिक। मेटलिक होता है, मेटलिक की अगर बात करें तो मेटलिक दोस्तों, मेटलिक आर थ्री टाइप्स। मेटलिक भी 3 तरह के होते हैं। नंबर फर्स्ट जो होगा आपका वो होगा फेरियस, फेरियस मेटलिक लिखना है, फेरियस Fe से डिनोट किसको करेंगे हम? आयरन को। तो आयरन का मतलब लोहा हो गया, तो इसका हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोहो धातु, ठीक है? दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें, सेकंड फर्स्ट तो हो गया फेरियस, सेकंड नंबर का आएगा हमारा नॉन फेरियस। नॉन फेरियस को हम हिंदी में बोलते हैं अधात्विक, वो सॉरी ए लोहो धातु, ए लोहो धातु, ठीक है? और तीसरे नंबर पे जो होता है वो होता है आपका प्रीसियस, प्रीसियस मैग्निक। प्रीसियस मैग्निक क्या होते हैं सर? जो महंगे खनिज होते हैं, महंगे जैसे गोल्ड, ठीक है, कीमती कहते हैं शाम हिंदी में, कीमती, ठीक है, कीमती धातु, गोल्ड सिल्वर डायमंड, ठीक है? ये अभी समझने वाली बात है ये कि सर भाई मैटलिक तो जिनमें मेटल की प्रॉपर्टी होगी मैटलिक, जिनमें मेटल की प्रॉपर्टी नहीं होगी नॉन मैटलिक, ठीक है? और जो जिनका दोहन करने से, जिनको जलाने से एनर्जी प्रोवाइड होगी उनको बोलते हैं एनर्जी मिनरल। इसमें तो सोचने वाली बात नहीं कुछ। अब उसके बाद है फेरियस मेटलिक का 2 टाइप्स, नंबर फर्स्ट है फेरियस, नंबर सेकंड नॉन फेरियस, और नंबर थर्ड प्रीसियस। अब उसके बाद देखते हैं फेरियस, फेरियस Fe की बात करेंगे। देखो साइंस के क्वेश्चन बनता है सर, मेटल की प्रॉपर्टी है मैटलिक बोले जाओगे, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है तो नॉन मेटलिक बोले जाओगे, नॉर्मल सी बात है।
अच्छा एक्सेप्शन देता हूं आपको एक, हमने सैंड लिया, सैंड का मतलब रेत बालू, ठीक है, मिट्टी, सूखी मिट्टी ली, सूखी मिट्टी में सर मेटल की प्रॉपर्टी है, सूखी मिट्टी में मेटल की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसमें देखो एक ने बताया था, एक बता रहे थे यूट्यूब पर छोड़ा था मैंने कि जो मेटल्स होते हैं मेटल के अंदर करंट फ्लो होता है, बिल्कुल होता है, मेटल्स के अंदर करंट फ्लो होगा, लेकिन सर अगर हम बात करें मेटल्स के अंदर तो करंट फ्लो होगा, इनके अंदर मेटल की प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल के अंदर मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है, इनमें करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन अगर हम नॉन मेटलिक के अंदर वाटर मिला दे तो करंट फ्लो होगा, बिल्कुल होगा, क्यों होगा, क्योंकि अगर मैं बता दूं आपको, क्योंकि उसमें लिक्विड साझा हो गया, एक लिक्विड मिक्स करते हैं, उस लिक्विड में क्या था, NaCl था, Na सोडियम और Cl का मतलब क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड था उसमें दोस्तों, नमक था उसमें, ये ध्यान रखना, इसीलिए उसमें करंट फ्लो होगा। अब उसके बाद आता है फेरियस, Fe लोहा होगा, इसमें लोहे वाले होंगे, ऐसे मेटल जिनमें लोहा होता है, जिनमें लोहे के अंश होते हैं, जिनमें आयरन की वेराइटीज होती है, आयरन की क्वांटिटी होती है, ठीक है, विच मिनरल फाइंड इन आयरन वेराइटी, ठीक है, इज कॉल्ड फेरियस मेटल, तो ये ध्यान रखना है, फेरियस होके लोहो धातु में लोहे का अंश होगा, सर किस किस में लोहा होगा, तो ये है आयरन, IRON, आयरन, अच्छा सुनो इसे भी हटाओ और मैं आपको एक शानदार सी लॉजिकल सी ट्रिक बता रहा हूं, उसी ट्रिक से सारे आ गए, एक ट्रिक लिख लो, लोहे की HMT निकालो, लोहे की HMT निकालो, ठीक है, निकाल लेंगे सर, अब लोहा, लोहे को इंग्लिश में बोलते हैं आयरन, IRON, आयरन, इसमें लोहा होगा, एच का मतलब हेमेटाइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट लोहे की वैरायटी है, एम का मतलब मैग्नीज, मैग्नीज लिखते रहना दोस्तों साथ साथ, मैग्नीज, टी का मतलब टिन, मतलब लेंगे टिन नहीं है, ठीक है, नी का मतलब होगा निकेल, और कैसे बनेगा आपका कोबाल्ट, ठीक है, ये है आयरन, मैग्नीज, हेमेटाइट, निकेल और कोबाल्ट, इनमें लोहा होता है, बाकी किसी में लोहा नहीं होता, ये भी ध्यान रखना, अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पुटअप होता है तो आप यहीं से ध्यान रखना, वही सबसे बेस्ट ट्रिक है, सबसे बेस्ट इलाज है दोस्तों, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, जो फेरियस होते हैं सर, फेरियस कौन कौन से होंगे, फेरियस वो मिनरल होंगे जिनके अंदर आयरन की क्वांटिटी होगी सर, वे कौन से होंगे जिनके अंदर आयरन होता है, तो आयरन वाले होंगे लोहे की HMT निकालो, आयरन होगा मैग्नीज होगा, हेमेटाइट होगा, निकेल होगा, कोबाल्ट होगा, ये तो हमारे होते हैं फेरियस। उसके बाद सेकंड नंबर पर बात करेंगे नॉन फेरियस की, तो नॉन फेरियस हमारे वे मिनरल होते हैं दोस्तों जिनमें लोहा नहीं होता, ठीक है, जिनके अंदर लोहा नहीं होता, नॉन एफी होते हैं सर, कौन कौन से होते हैं, तो नॉन एफी वालों का सबसे कॉमन बता रहा हूँ आपको, सबसे कॉमन है आपका कॉपर, COPPER, कॉपर, कॉपर को हम बोलते हैं तांबा, आदमी ने सबसे पहले अगर किसी धातु का आविष्कार किया था या कोई सी धातु को यूज में लिया था, किसी मेटल को यूज में लिया था, तो वो थी तांबा, कॉपर, कॉपर ही आदमी ने सबसे पहले यूज में लिया था, ठीक है, ह्यूमन बीइंग ने सबसे पहला फर्स्टली जो यूज किया था वो कॉपर का ही किया था। उसके बाद अगर हम बात करें नॉन फेरियस में, तांबा हो गया, कॉपर, ग्रेनाइट, सॉरी ग्रेनाइट, टिन आएगा, और हाँ टिन भी इसमें ही है, टिन। उसके बाद आता है प्रीशियस, प्रीशियस के अंदर कौन सा होगा दोस्तों, देखो तांबा भाई, कॉपर, कॉपर में करंट फ्लो होता है, कॉपर में करंट फ्लो होता है, क्यों होता है, कॉपर यानी कि उसमें लोहा नहीं है सर, करंट फ्लो नहीं होने का, देखो ये आयरन वाले थे जिनमें आयरन है, और ये वे है जिनमें आयरन नहीं है, नॉन एफी जिनमें आयरन नहीं है, ठीक है, तो कॉपर, कॉपर एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया, एक्सेप्शन है कॉपर, कॉपर नॉन फेरियस मेटलिक है, क्या बोलोगे, नॉन फेरियस मेटलिक, टिन क्या है, नॉन फेरियस मेटलिक। अब आता है आपका प्रीशियस मेटलिक, प्रीशियस जो होते हैं महंगे होते हैं, प्रीशियस में आएगा आपका गोल्ड, जो आसानी से नहीं मिलते, गोल्ड और सिल्वर और आपका डायमंड, ठीक है, ये है आपके दोस्तों मेटलिक, तो मेटलिक कंफर्म होंगे सारे, यहां से इससे ज्यादा है आने का भी नहीं, आपके लेवल का है, अगर मैं ज्यादा लेवल हाई करूंगा तो फिर IAS PCS भी आ जाएगा, आप उसमें कंफ्यूज होगे, तो यहाँ से इतना ही आप ध्यान रखो, मेटलिक तीन तरह के होते हैं, नंबर एक फेरियस, नंबर दो नॉन फेरियस, और नंबर तीन प्रीशियस। फेरियस में लोहे की HMT निकाल लो, नॉन फेरियस में तांबा और टीन, कॉपर और टीन, और प्रीशियस में गोल्ड, सिल्वर और डायमंड, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं नॉन मेटलिक, ठीक है, इसकी छोड़ ले लिया करो, बाद में फिर नोट्स वगैरह बना देगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नॉन मेटलिक, नॉन मेटलिक होगा जिनमें मेटल की प्रॉपर्टी नहीं होगी, मेटल की प्रॉपर्टी किस किस में नहीं होगी ये ध्यान रखो, मेटल की प्रॉपर्टी जैसे सैंडस्टोन, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, ठीक है, बलुआ पत्थर, ठीक है, जिप्सम,
जिप्सम हो गया, उसके बाद में और साल्ट, उसके बाद में बताओ संगमरमर, ग्रेनाइट, नीस, ठीक है, ये कुछ इस तरह की है जो मिट्टी वाले खनिज हो गए। मिट्टी वाले ये देखो सैंडस्टोन, बालू, रेत, ठीक है, और ग्रेनाइट, ग्रेनाइट पत्थर की चट्टानें होती है, और जिप्सम सीमेंट में मिलाया जाता है, साल्ट नमक होता है, और सैंडस्टोन बालू होता है। ये दोस्तों नॉन मेटलिक है, इनमें मेटल की प्रॉपर्टी नहीं होती, इसीलिए ये वाले जो है ये मिट्टी वाले खनिज है, इनको हम नॉन मेटलिक बोल लेंगे। हाँ एक बात ध्यान रखना, आज के टाइम में लगभग लगभग 2000 तरह के मिनरल्स की खोज हो चुकी है, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर नॉन मेटलिक कहीं निकलते हो इंडिया में तो वो स्टेट है राजस्थान, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा नॉन मेटलिक निकलते हैं, ठीक है। कॉपर की माइन भी राजस्थान के अंदर ही है, ये भी ध्यान है, खेतड़ी खान। अब उसके बाद आता है आपका एनर्जी मिनरल। एनर्जी मिनरल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, एनर्जी को मैं दो तरह से डिवाइड करूंगा। देखो अगर मैं अपने लिए आपको समझाने का पर्पज है ये, बाकी आपको नोट्सों में कुछ और मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक इजी फॉर्मेशन में बता रहा हूँ। जो आपकी एनर्जी मिनरल है, एनर्जी को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एनर्जी दो तरह की होती है दोस्तों, ठीक है। एक होगी आपकी सिंपल एनर्जी, सिंपल एनर्जी, ठीक है। सिंपल एनर्जी का मतलब होगा सिंपल एनर्जी आप या रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल, और ये होगी आपकी दूसरी न्यूक्लियर एनर्जी या एटॉमिक एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल सिंपल एनर्जी देखो क्या होती है, सिंपल एनर्जी के अंदर वे सोर्सेस होंगे सारे के सारे जिनसे ये डेली प्रोवाइड होती है, डेली जनरेट होगी। तो डेली जनरेट कैसे होगी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, और बताओ, ठीक है हो गया। उसके बाद बचता है कुछ, कुछ नहीं बचता भाई, सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी, हाइड्रो पावर होगी, ये होगी। तो ये आपकी डेली बनेगी, देखो डेली धूप निकलेगी, डेली सनलाइट निकलेगी, तो डेली सोलर सिस्टम अपना काम करेगा, ठीक है। सोलर पैनल जो होते हैं जिनके अंदर सिलिकॉन लगी होती है वो डेली पावर बनाएगा। उसके बाद विंड एनर्जी, हवाएं डेली चलेगी, ऐसा थोड़ा ही कि आज जो है आज हवा चलेगी, आज भी पवन देवता घुसगी उसके बाद कल हवा चलने की, नहीं तो डेली चलेगी हवा, तो होती है आपकी विंड एनर्जी। और तीसरी होगी हाइड्रो पावर, तो पानी से बिजली बनती है, डैम्स पे पानी डेली होगा, डेली बर्फ पड़ेगा पहाड़ों पर, डेली ग्लेशियर भी निकलेगी, ग्लेशियर पे निकल के पानी नदी में होगा, नदी में से डैम में जाओगे, डैम से डेली हाइड्रो पावर बनेगी। ये होती है आपकी एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी, और ये बहुत डेंजर होती है दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर मैं बताऊं, इसके अंदर ये नॉर्मल नहीं है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी, कार्बनिक आएंगी इसके अंदर, सारी कार्बनिक जो होती है इसके अंदर कार्बन होता है, जैसे कोल, कोयला होगा, पेट्रोलियम होगा, पेट्रोलियम हो गया, उसके यूरेनियम, यूरेनियम, थोरियम, ये वाले सारे के सारे जो है जिनके लास्ट में ईयूएम आता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एटॉमिक एनर्जी के यूज होते हैं। एटॉमिक एनर्जी के लिए अगर मैं यूज बताऊं तो एटॉमिक या न्यूक्लियर जो वेपन्स होते हैं इनके अंदर जो होता है दोस्तों वो हमारा जो जो हमारा मिनरल होगा उसका नाम होगा यूरेनियम। यूरेनियम वैसे तो 233 का भी यूज होता है, 235 का भी होता है और 237 का भी होता है, ये होता है केमिस्ट्री वाले सर बता देगा आपको अच्छे से कौन से बता रहे हैं यूरेनियम। और यूरेनियम के अगर तो यूरेनियम सबसे ज्यादा झारखंड राज्य में मिलता है, तो यूरेनियम से हम क्या बनाते हैं, यूरेनियम से हम जमीन के अंदर से यूरेनियम निकालते हैं, उसी यूरेनियम से हम न्यूक्लियर पावर और एटॉमिक एनर्जी बनाते हैं। मेरी वीडियो है आणविक ऊर्जा एटॉमिक पावर, इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट चेक करना, उसमें पड़ी हुई है, आप वहां से देख लेना अच्छे तरीके से, ढंग में समझ आओगी कि एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी होती क्या है और कैसे जनरेट होती है, ठीक है। तो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इनको हम बोलते हैं। अगर एक बार हमने इसका यूज किया तो दोबारा हम इसको यूज में नहीं ला सकते। कोयले को एक बार जलाने से क्या दोबारा कोयला उत्पन्न होगा, नहीं होने का। उसके बाद पेट्रोलियम का एक बार दोहन करने के बाद पेट्रोल को यूज कर लो, पेट्रोल दोबारा थोड़ी होगा भाई, जमीन के अंदर सारा पेट्रोलियम निकाले तो कल पेट्रोलियम बना पाओगा, नहीं बनेगा, नॉन रिन्यूएबल। यूरेनियम, सारा यूरेनियम निकालने के बाद यूरेनियम खत्म, उसके बाद यूरेनियम नहीं बनने का आसानी से,
तो यूरेनियम खत्म, उसके बाद में ये होगा आपका थोरियम, थोरियम की भी ऐसी सेम बात है, तो ये वाली होगी। तो एनर्जी आर टू टाइप्स, नंबर पर सिंपल जिसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, और दूसरी होती होगी आपकी न्यूक्लियर एनर्जी, आणविक ऊर्जा या एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, परमाणु ऊर्जा, और जिसको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, दोबारा नहीं बनेंगे ऐसी। तो ये आपकी कुछ इस टॉपिक का संबंधित था दोस्तों, मैंने समझाने का एक बेहतर प्रयास किया। मिनरल्स क्या होते हैं, जमीन के अंदर से जितने भी सब्सटेंस निकलते हैं सभी क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं हमारे लिए, जो हमारी आवश्यकताओं की पूरा करेंगे। वही मेन डेफिनेशन रिसोर्स की थी, और वही लगभग मिलती जुलती डेफिनेशन किसकी है, मिनरल्स की है, ठीक है। और उसके बाद है मेटलिक, मेटलिक आर टू, मेटलिक आर थ्री टाइप्स, नंबर फर्स्ट फेरियस, नॉन फेरियस, प्रीसियस, ठीक है। मेटलिक मैंने बताया, मेटलिक में कौन कौन से, मेटलिक में वे हो जिनमें मेटल की प्रॉपर्टी नहीं हो, सबसे ज्यादा कहाँ निकलते हैं, नॉन मेटलिक वे हो, राजस्थान के अंदर निकलेंगे। फिर तीसरे नंबर पर एनर्जी मिनरल, एनर्जी मिनरल आर टू टाइप, नंबर फर्स्ट आपका सिंपल एनर्जी, और सिंपल एनर्जी का दूसरा नाम है रिन्यूएबल एनर्जी, और इधर होगा आपका न्यूक्लियर एनर्जी या एटॉमिक एनर्जी, और इसका जो तीसरा नाम है उसका नाम है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। यही तो है, उससे ज्यादा है ही नहीं कुछ भी, बहुत ही नॉर्मल है, इजी सा है बहुत ही, ठीक है। अब उसके बाद में चैप्टर अपलोड में, इस चैप्टर के जो नोट्स है वो दूंगा, एक पार्ट और बचा है वो आप कोड कर लेना, ठीक है दोस्तों। बाकी अब यार ये वीडियो मिलती जुलती सारी चीजें ये एडिंग होगी इस वीडियो में, इस वीडियो में लगभग 3 क्लास उसकी एडिंग होगी दोस्तों, और हम करेंगे। देखो अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप वीडियो को लाइक शेयर बढ़ता है, आपको लाइक शेयर कर दिया करो भाई। अगर आपको नहीं समझ में आता, आपके डाउट बढ़ते हैं, तो डाउट आप कमेंट बॉक्स में डाल के छोड़ दे, और डाउट को भी तो क्लियर करेंगे, जब आप बताओगे तभी तो बताओगे। आपको कुछ नहीं, वही बात है, आपको कुछ आता नहीं भाई, नॉर्मल सी बात है, आता भी कुछ नहीं, अगर आता तो कमेंट होती, ठीक है, कमेंट हम तो चाहते हैं कमेंट करे कोई, लेकिन कमेंट्स नहीं होती। खैर चलो कोई बात नहीं है, आपका हमारा काम तो प्रोवाइड कराने का है, आपका काम है बाकी वो आप अपने तरीके से देखें, ठीक है भाई। अगर आपको चीजें समझ में आती है तो जो आपका यूट्यूब चैनल है, हमारा नहीं है आज से तो आपका ही है, आपके संदर्भ में काम कर रहा है YouTube चैनल जो है उसका नाम है एग्जाम कुंज, एग्जाम कुंज को प्रेस करें, ठीक है, बेल आइकन दबाए और सब्सक्राइब करें और शेयर करें आप अपने एग्जाम कुंज को, ठीक है दोस्तों। बाकी सभी को मौका मिलेगा यहाँ पढ़ने का, ठीक है, धन्यवाद।